के दूसरे बर्तन में डालूंगी पानी और इसको भी अंदर रख देती हूँ, तो ये पानी भी पी लेंगे और खाना भी खाएंगे। तो ये पानी भी डाल दिया, इसको खाना भी दे दिया। बिस्कुट जो है ना ये बंद कर देती हूँ खिड़की, वरना ये भाग जाते, उड़ रहे थे, आज तो नीचे उड़ गया था तो मैंने देख लिया, वरना ये कहीं कोई ले जाता इनको। शाम का टाइम देखो इतना अच्छा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ेदार मौसम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और खेल रहे हैं और इतना ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए तो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, जैसे गर्मी थी बहुत तो वो गर्मी नहीं है, अभी अच्छा मौसम हो चुका है, गर्मियाँ ख़त्म हो गई। अभी देखें, अभी फातिमा मेरे लिए लेके आई है खीर, तो वो आज कुरान खानी कराई थी फातिमा ने और खीर भी लेके आई है, बहुत मज़े की खीर है। और ये देखें बहुत ही अच्छी बनाई है फातिमा ने, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं सारे, अली भी बैठा हुआ है, मुझे कुछ चीज कर लिया क्या है, क्या है सारे क्या खेल रहे हो, मेरे शहजादे क्या खेल रहे हो, भाई जाओ भाई हम भी नहीं खेलेंगे, जाओ मेरी रानी को देखो, रानी मेरी बहुत प्यारी है, रानू इधर देखो फादिया, ठीक है अभी खेल में मसरूफ है तीनों, नहीं भाई अभी अगर मैं जीता तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल मिलता है तो गेम खेल रहे हैं, इसमें ये कार्टून देखेंगे तीनों मिलके। मेरी बारी तीनों मिलके खेलते हैं, मेरी रानी तो बहुत प्यारी हो गई है फादिया। चले भाई अभी खीर एंजॉय करते हैं, खाते हैं, बहुत मज़े की बनी है, तो अभी करते हैं चेक कैसी बनाई है सुमैरा ने, फातिमा ने। बहुत मज़े की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, सबको हंसता मुस्कुराता रखे आमीन। अभी मुझे फातिमा ने बुलाया है, मुझे फातिमा ने बुलाया था कुरान खानी की थी तो मुझे बुलाया है और मैं अभी आई हूँ उनके पास, और सब बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं हमारे छोटे, और ये गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे, कार्टून देखे तो सबकी बारी बारी होती है, सब खेल रहे हैं। और अभी मैं बैठी हूँ, चाय पीते हैं फिर मैं घर जाऊँगी अपने, तो दिलबर भी कहीं चला गया है, घर पर नहीं था, अभी मेरे आने से पहले चला गया। बच्चे मेरे देखे ऐसे खेल में मसरूफ है, एक मिनट उठ गई है फादिया, उठो देखो छोटी को झूला दो, धुआ उठ गई है, अरे फादिया को देखो कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, फादिया बहुत प्यारी हो गई है, बड़ी भी हो गई है, तो बहुत प्यारी लग रही है फादिया। हमारी चाय आ गई है, तभी चाय पीते हैं फातिमा और मैं, सुमैरा ने चाय पी ली है, बाकी हम दो बंदे रहते हैं। ये वाली चादर इतनी मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, इस पर फूल बहुत खूबसूरत हैं, तो बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं, जब भी मैं आती हूँ बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैंने अपने लिए चाय बना ली है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है, सुबह सुबह का टाइम है तो चाय पियेंगे, फिर जो भी दिन की रूटीन होगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। कल भी तो अभी मैं इसको तड़का लगाऊंगी, बाकी तैयार है तो अभी तड़का लगाते हैं दाल को, और रोटियां बनाती हूं मैं, आटा भी मेरा गूंधा हुआ था और रोटी भी बनाती हूं और दाल को लगाते हैं। धनिया को मैं कर रही हूं बहुत, धनिया को वॉश कर लेती हूं, इसको धो के सुखा के काट के फिर मैं डालूँगी दाल में, तो तरीके से सूख जाए, ये अच्छी तरीके से सूख जाए फिर काट के डालती हूँ दाल में,
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैं तड़का लगा रही हूँ दाल को, हरी मिर्चें और लहसुन का, तो अभी जो है उसका तड़का लगाते हैं। मैंने पेड़े बना के रख दिए हैं और हरा धनिया मैंने काट के रख दिया है, और क्या कहते हैं दाल में डालूंगी, और पेड़े मैंने बना के रखे हैं थोड़ी देर पहले, फिर तवा रखती हूँ तो रोटी पकाते हैं। हमारा तैयार हो चुका है, बस हल्का सा ब्राउन करना था, और अभी जो है उसको मैं तड़का लगाने लगी हूँ दाल में, और तो अभी मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, तो हमारी दाल जो है तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनी है। तो अभी मैं घर आई हूँ और देखा तो नैना ने मेरे लिए ये देखे इतना प्यारा लगाया है, इधर शीशा लेके आई, इसके ऊपर फूल लगाए, बहुत ही प्यारा लगाया है उसने, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो नैना लेके आई है और मुझे फ़ोन कर रही थी कि आके देखो तो मैंने क्या लगाया तुम्हारे कमरे में, तो ये मेरे कमरे में देखो इतने प्यारे फूल लगाए हैं शीशा के ऊपर, बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। तो रात को मेरे पाँव में बहुत दर्द था, क्योंकि ये नाखून जो है मेरे पाँव का ख़राब हो चुका था। फिर इसके बाद काफ़ी दफ़ा मैं दवाइयाँ ले आई हूँ, तो काफ़ी दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, थोड़ा 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 काट देते हैं, कहते हैं ठीक है, तो वो जो है ना उस वक्त ठीक हो जाता है, फिर वापस वही दर्द शुरू हो जाता है। तो मुझे हो गए हैं कोई 8 महीने हो गए, तो मेरी ऐसी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद जो है ऐसी दवाइयाँ खा रही थी, कभी गोलियाँ, रोज़ बुखार है, आज ये है वो है इस तरह की। तो रात को मैं दिलबर के फातिमा सुमैरा के पास गई थी, दिलबर को भी मिलने रोज़ जाती हूँ, तो उनकी तबीयत सही नहीं, अभी अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हो रही है, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक हफ्ते की उनको दवाई दी है डॉक्टर ने, और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर मैं उनके घर बैठी रही काफ़ी देर, उसके बाद मैं घर आई हूँ तो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, तो जो है ना सीढ़ी मेरे पाँव पे बहुत ज़्यादा लगा, पाँव फिसला तो ज़्यादा लगा, और नाखून जो है मेरा उखड़ गया था वो एक साइड से। तो फिर इसके बाद जो है मैंने नैना को बोला, फिर डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने जो है ना पहले सुई लगाई थी, सुन किया, फिर इसके बाद जो है ना आधा नाखून साइड से काट लिया था, काटा तो फिर उसके बाद जो है इसको जो है ने कहा था, रात को पट्टी बांधी थी, सुबह खोल के इस पर पायोडीन लगा लेना, फिर मुझे दिखाना। तो सुबह मैंने खोला था, सही है, और गोली भी खाई, दवाइयाँ जो दी हैं उन्होंने वो भी मैंने खाई हैं, तो अभी दर्द नहीं है, ठीक है। तो अभी पायोडीन मैंने लगाया है पाँव पे, तो अभी जो है बेहतर हो जाएगा, अल्लाह करे फिर ना हो। तो ये एक कोना जो है ना साइड से नाखून का, ये अंदर गोश्त में जो जब चला जाता है तो वो दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा जो है ना ये मुझे पहली दफ़ा हुआ है, और मुझे 8 महीने हो गए इसको ठीक करते करते, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर जब पाँव फिसला तो इतना मेरे सर को चक्कर आ गया था, ऐसा चोट लगी है मुझे, और नाखून उखड़ गया था, तो फिर इसीलिए हम गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने सही से काट लिया था। तो अभी तो मुझे यही बोल रहे हैं कि अभी नहीं होगा, फिर नहीं होगा, बस इसको जो है दवाइयाँ लगाते रहो, जो पायोडीन है वो लगाओ, एक क्रीम दी है वो भी लगाओ, और दूसरा जो है ना पट्टी नहीं बंद, बस खुला छोड़ दो, हवा लगेगी ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं चल फिर सही हूँ, सही है, कुछ नहीं है, इतना दर्द नहीं हो रहा, ठीक है। तो महसूस तो होता है, इतना तो है कि बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा भी नहीं है 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी जो है तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह करे ठीक हो जाए, क्योंकि नाखून काटा है साइड से, तो नाखून बहुत सख्त होते हैं, तो दर्द है इसका बहुत होता है, और उस वक्त तो मुझे सुई भी लगाई फिर भी बहुत दर्द हुआ था, और ऐसी मेरी तबीयत ख़राब रात को भी, लेकिन अभी मैं बेहतर हूँ अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है।
तो आज मैं डॉक्टर के पास गई और ये वाला नाखून मेरा बहुत ख़राब हो गया था, तो बहुत दर्द था काफ़ी दिनों से, इसकी वजह से मुझे बुखार और तबीयत ख़राब थी। तो डॉक्टर के पास गई और ये वाला नाखून मेरा काटा और निकाला। तो अभी जो है मैंने दवाई लगाई हुई है इसके ऊपर, और अल्लाह करे जल्द ठीक हो जाए। तो ये मेरा नाखून बहुत ख़राब हो गया था, ये जो है ना बड़ा मसला था, बहुत दर्द था मेरे पाँव में, तो ये डॉक्टर ने काटा और ये सही कर दिया। और अंगूठे में पहले जो है ना सुई लगाई थी, इसको सुन किया, फिर जो है ये काटा, तो बहुत दर्द हुआ फिर भी, तो ये एक साइड से पूरा कट कर लिया है। तो अभी जो है दवाई लगा दी है इसके ऊपर, और इसके ऊपर दवाई लगा दी है और एक साइड से पूरा नाखून मेरा कट कर लिया है, और इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा पट्टी नहीं लगाओ, बस दवाई लगाओ और इस पर पानी भी नहीं लगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना कि यहाँ तक मेरा अंगूठा जो है काला हो गया था दर्द की वजह से, तो ये काटा। ये देखिए ये नाखून का टुकड़ा पूरा वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।